हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एजुकेशन। आई एम जीत, आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम 12 जनवरी के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स देखेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको लगे आपके लिए बेनिफिशियल है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, सबसे पहले जो लोग हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक रेड कलर का बटन दिया होगा और एक बेल आइकन बन गया है, उस पर भी क्लिक कर लें जिससे कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12 जनवरी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। पहला है 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामांकित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बीरेंद्र प्रसाद वैश्य को। तो बीरेंद्र प्रसाद वैश्य को ये जो है वो, ये बात की जाए तो ये इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। तो इनको जो है वो 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन के रूप में नामांकित किया गया है। अब 2020 है तो यहाँ से देखो टोक्यो में हो रहा है, जापान, ओके, जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो, तो वहाँ पर जो है 2020 में ओलंपिक हो रहा है। अब आपके बात की जाए तो 2022 में कहाँ पर होगा, तो 2022 में जो रहेगा वो रहेगा ये, अभी 2020 में जो होगा वो समर ओलंपिक रहेगा और उसके बाद आता है विंटर ओलंपिक, फिर आता है समर ओलंपिक। अगर मैं बात करूं तो 4 साल बाद, मतलब एक पीरियड होता है, जैसे कि समर समर की बात करें तो 4 साल बाद आता है, विंटर विंटर की बात करें तो 4 साल बाद आएगा। जैसे कि ये जो 2020 में हो रहा है तो ये समर ओलंपिक है जो टोक्यो में हो रहे हैं। अब इसके बाद 2020 में जो 2022 में जो होंगे वो होंगे कहाँ पर, चाइना में, बीजिंग में, ओके। और 2024 में कहाँ होंगे, ये होंगे पेरिस में। 2024 में जो रहेंगे वो होंगे पेरिस में और ये होंगे बीजिंग, चाइना में, ओके। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने राज्यों के रेणुकाजी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कितने राज्य हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 6 राज्य। अब वो 6 राज्य कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान और उत्तराखंड। तो ये जो 6 राज्य हैं, तो इस समझौते के तहत जो है यमुना नदी और उसकी जो सहायक नदी है कौन कौन सी, टोस और गिरी नदी है, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो है इस पर समझौता किया है, ओके। तो वहाँ पर जो है वो रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना के लिए समझौता किया है 6 राज्यों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने 2024 तक कम से कम कितने शहरों में कड़कीय के प्रदूषण को 20 से 30% तक कम करने का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 102। तो 102 बात की जाए शहरों के लिए जो कड़कीय कड़ होते हैं, जो कड़ प्रदूषण होते हैं, तो उसमें जो है 20 से 30% तक कम करने का उद्देश्य रखा गया है, किसके तहत, राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम के तहत। तो ये शुरू किया गया है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत, ओके। तो ये आपको याद रखना है 102 शहरों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है वो 13 फरवरी को शुरू होगा और इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया जाएगा। तो ये बांध सुरक्षा प्रबंधन में एक तरीके से चुनौती है, उसका सामना करने के लिए सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करेगा उड़ीसा। अब उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा, आप देखो उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। यहाँ के CM है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। और यहाँ से कुछ स्टैटिक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं सीधे डायरेक्ट, जैसे कि सम टेंपल, सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो सूर्य मंदिर उड़ीसा में कोणार्क में है, ओके। और चिल्का लेक कहाँ पर है, तो चिल्का लेक जो है वो उड़ीसा में, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो सॉल्ट लेक है तो वो है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच समुद्री मुद्दों पर समझौते ज्ञापन की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। तो भारत ने और डेनमार्क ने एक MOU साइन किया, तो जो समुद्री क्षेत्र हैं तो उनके बीच जो सीमा पार करने में सहयोग और निवेश की सुविधा प्रदान करेगा। तो इस वजह से जो है वो ये समुद्री मुद्दों पर समझौते पर
एमओयू साइन किया है, ज्ञापन को मंजूरी दी है। अब बात की जाए यहाँ पर डेनमार्क के साथ हुआ है, तो डेनमार्क को आपको पता होना चाहिए डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेन हैगन है और करेंसी है डेनिश क्रोन। ओके, डेनमार्क जो है वो एक यूरोपीय कंट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ताइवान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसे नियुक्त किया गया है, बी ऑप्शन सू तसेंगे तू सेंग चांग। थोड़ा नाम अजीब सा है, सू तसेंगे चांग, तो दो तीन बार आप रिवाइज कीजिएगा, सू तसेंगे चांग। ओके, तो चांग जो है वो ताइवान के जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, और ये किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ की महिला राष्ट्रपति हैं कौन, तसाउंग इंग बैन। ओके, ये जो है तसाइंग इंग बैन। तो ये बात की जाए तो ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, तो इनके द्वारा जो है वो सू तसंगे चांग ताइवान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ताइवान की कैपिटल क्या है, ताइवान की कैपिटल है ताइपी, और यहाँ पर करेंसी कौन सी यूज होती है, न्यू ताइवान डॉलर। तो इतना आपको ताइवान के बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये कहाँ पे किया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बेंगलुरु में। बेंगलुरु में ये किया जाएगा इसरो द्वारा, भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र। ओके, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता करेंगे उन्नी कृष्ण नायर। ओके, उन्नी कृष्ण नायर, तो ये इसरो द्वारा किया जा रहा है, तो इसरो के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, इसरो की जो फुल फॉर्म रहती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का, बेंगलुरु में ही है, तो बेंगलुरु में ये स्थापित किया जा रहा है इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान, और वहीं पर जो है इसका हेडक्वार्टर है, और इसे फाउंडर इसके कौन है, इसरो के विक्रम साराभाई, और ये फाउंड कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को, 1969 को, और अभी जो डायरेक्टर कौन है, के शिवान। तो इतना आपको इसरो के बारे में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी कोच पद से हटा दिया गया है, तो किसे हटा दिया गया है, तो ये जो है हरेंद्र सिंह, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, तो हरेंद्र सिंह को जो है वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम से हटा दिया गए हैं, और इसकी जो देख रेख करेगा वो हॉकी इंडिया टीम के उच्च प्रदर्शन निदेशक डेनिस जॉन। ओके, डेनिस जॉन, और कौन, जो बात की जाए क्रिश सीरियोलो, सीरियलो। ओके, तो जो बी ए और बी हैं, तो अब जो है वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के बात की जाए तो इसका देख रेख करेंगे, तो अभी जो है वो हरेन सिंह को भारतीय पुरुष कोच टीम से हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वभाषा कवि सम्मेलन या राष्ट्रीय संगोष्ठो का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये जो किया गया है चेन्नई में किया गया है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, ये जी किया जाएगा ऑल इंडिया रेडियो द्वारा, तो सर्वभाषा कवि सम्मेलन जो है वो चेन्नई में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलने पासपोर्ट सूचकांक 2019 के अनुसार, 19 के अनुसार यहाँ पर जो है ना भारत की क्या रैंक है, तो इसे यहाँ पर थोड़ा एडिट कर दूंगा मैं, पीडीएफ में आपको सही मिल जाएगा, तो के अनुसार भारत की जो रैंक है वो कितनी है, इसका आंसर हो जाएगा 79, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है वो 190 देशों में है रैंक, और 2018 में कितनी थी, 2018 में जो थी वो 81 थी, तो करीबन दो पायदाने ऊपर पहुंच गया है। ओके, तो जो हेलन पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा ये उपलब्ध कराते हैं, और उसी डेटा के आधार पर जो है वो जो हेलन पासपोर्ट जो सूचकांक है, मतलब पासपोर्ट जहाँ पर अनुकूल होता है उसी के लिए ये प्रोवाइड कराई जाती है, और फर्स्ट नंबर पर कौन है, जापान है। ओके, तो फर्स्ट नंबर पर जो है वो जापान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय पेंट सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो हाल ही में भारतीय पेंट सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आगरा में। तो इसका आयोजन देश के जो बड़े पेंट उद्योग हैं जिनका शीर्ष संस्था है, सबसे बड़ी जो संस्था है क्या, इंडियन पेंट एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा आगरा में।
ओके, आगरा जो कहाँ पर है, यूपी में है, और आगरा किस नदी के किनारे बना है, यमुना नदी के किनारे, तो ये भी आपको याद रखना है। और बात की जाए अगर यूपी की बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल क्या है, लखनऊ है, और सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ है, और गवर्नर कौन है, राम नायक। तो इतना आपको यूपी के बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की मानद सदस्यता प्राप्त की है, तो किसने की है, तो ये जो है विराट कोहली और रवि शास्त्री, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों ने जो है वो एससीए की मानव सदस्यता पाने वाले एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हैं, और इससे पहले जो है वो किन किन को लोगों की, सचिन तेंदुलकर हुए और ब्रायन लारा हुए, तो इन दोनों को ये सदस्यता प्राप्ति, और अब जो है वो विराट कोहली और रवि शास्त्री को ये जो है वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की मानव सदस्यता प्राप्त की है इन्होंने। ओके, तो जो इसका सी डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पुणे में किया गया है। और जो पहले संस्करण कहाँ पे किया गया था दोस्तों, पहला जो संस्करण किया गया था वो दिल्ली में किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, और दूसरा जो संस्करण है वो पुणे में किया गया है। तो अभी जो खेल मिनिस्टर कौन है, राज्यवर्धन राठौर जी हैं, वो खेल मंत्री हैं। ओके, और आज का हमारा क्वेश्चन है कि हर वर्ष एनआरआई डे कब मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और ये क्यों मनाया जाता है तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये आप लिखोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।